सोलन के माल रोड पर लायंस क्लब सोलन वैली और सोलन हेल्पिंग सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोलन अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए संस्थाओं ने मिलकर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने बढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में संस्था के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्था द्वारा यहाँ आने वाले युवक को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि रक्तदान करना समाज के लिए क्यों जरूरी है। रक्तदान कर चुके युवाओं और संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें रक्तदान कर अत्यंत संतोष मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनका रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि वे 50 यूनिट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सोलन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा। मेरा एक मानना है कि जितने भी युवा हैं हमारे, उनको आगे आना चाहिए और अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सबसे बड़ा पुण्य यही है आज के समय में कि आप किसी को अपना ब्लड दे रहे हो, किसी के काम अगर आपका ब्लड आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे को मेरे बड़े भाई ने प्रेरित किया कि आपको अपने आगे आना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। मेरी अभी एज अभी हुई है 21, तो मैंने सोचा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी न किसी की हेल्प हो जाए। बढ़िया, अच्छा लग रहा है आज। मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैंने किसी को, मतलब किसी की ज़िंदगी बचा ली आज। ऐसा फील हो रहा है कि किसी का मेरा ब्लड अगर किसी को लग जाएगा तो शायद किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। हमने जो है ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, इसको हमने 50 यूनिट टारगेट लेके चले हुए हैं। तो अभी तक हमारे पास 20 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी घंटा डेढ़ घंटा ही हुआ है हमारे को शुरू किए हुए, तो हमारा टारगेट जो है वो 50 का है। और ब्लड जो रक्तदान है ये महादान है, तो ये हम साल में 2-3 बार लगाते हैं। और हमारे जो है ये कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयरनेस कराएं कि अगर आप रक्तदान दे रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन किसी की भी जान बच सकती है। तो हमारा मोटिव जो होता है वो यही होता है कि लोगों को अवेयर कराएं और वो रक्तदान करते रहें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय भट्टी, सोलन हेल्पिंग सोसाइटी का प्रधान और फाउंडर भी। और हम यहाँ पे आज लॉयंस क्लब सोलन के साथ मिलकर आज हम रक्तदान शिविर किया है। अभी लगभग हमारे कुछ 18 से 20 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं और इसमें अभी हमारा जो टारगेट है कि 50 लोग से ज़्यादा लोग हमारे इस रक्तदान शिविर में भाग लेंगे अभी तक का। और लगभग हम 2.5 साल से ये कार्य कर रहे हैं और मैं खुद भी 24 बार रक्तदान कर चुका हूँ।